गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे BFS कैसे यूज होता है। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने DFS देखा था, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या होता है। सबसे पहली चीज़ तो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है कि यहाँ क्यू यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्यू में जो सबसे पहले इंसर्ट होता है वो सबसे पहले बाहर जाता है। ठीक है, तो एक विजिट का वो बना लेंगे, कौन कौन से नोड विजिट हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वन पर आएंगे, सोर्स मान के चलिए वन ही है, कोई भी सोर्स ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप वन से स्टार्ट करें। यहाँ बस नॉर्मली वन से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्यू जो है वन आ गया, तो वन विजिट हो गया। ठीक है, अब वन विजिट हो गया तो देखेंगे, फिर से चेक करेंगे एडजेसेंसी लिस्ट में या मैट्रिक्स में DFS की तरह ही, कि इसके पड़ोसी कौन कौन से कौन है। टू और थ्री है तो एक ले लेंगे, टू ले लेंगे। ठीक है, टू आ गया, बट अब ये इम्पोर्टेंट कौन है जो इसमें होता था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो पहले आया वही पहले जाएगा, तो अभी भी वन ही इम्पोर्टेंट है। तो अब देखेंगे वन से कहीं और जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं, थ्री जा सकते हैं। ठीक है, तो थ्री भी विजिट कर लिया, तो वन विजिट हो गया, टू विजिट हो गया, थ्री विजिट हो गया। ठीक है, अब वन से कहीं और जा सकते हैं, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते तो वन को पॉप कर देंगे। ठीक है, अब कौन इम्पोर्टेंट है, अगला जो सबसे पहले बाहर जाएगा, अब कौन सबसे पहले बाहर जाएगा, टू। ठीक है, तो टू से देखेंगे कहाँ कहाँ जा सकते हैं, जो नॉन अनविजिटेड है, तो ये विजिट हो गया, ये विजिट हो गया, ये विजिट हो गया। नॉन विजिट नोड्स बचे हैं। ठीक है, तो टू से फोर ही जा सकते हैं, तो फोर भी विजिट हो गया। ठीक, अब ठीक है, तो अब क्या करेंगे, टू से कहीं और जा नहीं सकते तो टू को बाहर निकाल देंगे, टू पॉप हो गया। अब कौन इम्पोर्टेंट हो गया, थ्री, थ्री इम्पोर्टेंट हो गया, तो थ्री से देखें कहाँ जा सकते हैं, और थ्री से भी सिर्फ एक ही अनविजिटेड नोड है, सेवन, जहाँ जा सकते हैं, सेवन विजिट कर लिया। ठीक, और कहीं नहीं जा सकते हैं, तो थ्री को भी पॉप कर दिया। फोर से देखेंगे कहाँ जा सकते हैं, अब क्योंकि अगला इम्पोर्टेंट कौन है, फोर, तो फोर से कहाँ जा सकते हैं, फाइव जा सकते हैं। ठीक है, तो बाकी फाइव हो गया। ठीक है, फाइव विजिट कर लिया। ठीक है, अब फोर को पॉप कर देंगे, फोर पॉप हो गया क्योंकि और कहीं जा नहीं सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट कौन हुआ, सेवन। ठीक है, तो अब सेवन से कहाँ जा सकते हैं, सिक्स पर। ठीक है, तो सेवन से जा सकते हैं सिक्स पर, तो सिक्स भी विजिट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका ऑर्डर। अब देखो सेवन से कहीं और नहीं जा सकते, पॉप हो गया। अगला इम्पोर्टेंट फाइव, फाइव से कहीं और नहीं जा सकते हैं, पॉप हो गया। अगला इम्पोर्टेंट सिक्स, सिक्स से कहीं और नहीं जा सकते हैं, पॉप हो गया। ठीक है, तो जैसे ही क्यू जीरो हो जाए, क्यू एम्प्टी हो जाए, तो जितना विजिट किया हुआ पोर्शन है, ये हो गया इसका विजिट करने का। क्वेश्चन आता है कि कैसे, किस क्रम में या किस ऑर्डर में विजिट करेगा, तो वो ऑर्डर ये हो गया। ठीक है, कई और ऑर्डर्स भी पॉसिबल हैं, तो तीन चार ये भी क्वेश्चन कर सकता है कौन सा ऑर्डर पॉसिबल नहीं है, तो ये भी देख लेना कौन सा ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये भी दे सकता है ना, वन थ्री टू करके, कि पहले टू और थ्री में थ्री विजिट कर ले, तो इस तरह से दे देगा चार ऑप्शन, उसमें से पूछ लेगा कि कौन सा विजिट नहीं, मतलब कौन सा ऑर्डर सही नहीं है, तो वो वाला ऑर्डर तुम्हें देखना पड़ेगा जो नहीं होगा। गेट में बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आराम से क्वेश्चन कर ले जाओ। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी वही होती, सेम बी प्लस ई। जब आप क्या यूज़ कर रहे हो, लिंक लिस्ट, एडजेसेंसी लिंक लिस्ट और ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर, जब आप मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हो स्टोर कराने के लिए। एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज़ करोगे तो ये आएगा, लिंक लिस्ट यूज़ करोगे तो ये आएगा, और क्या कहते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर कोई पूछता है, तो देखो एक
ये एरे मेंटेन करोगे विजिट करने का, और एक ये एरे मेंटेन करोगे क्यू के लिए, तो एक एन साइड का एरे चाहिए होगा, सॉरी अगर वी है तो वर्टेक्स का जो साइज है उतना चाहिए होगा हमें, ठीक है। और इसके अलावा एडजेसेंसी मैट्रिक्स का तो पहले से ही रहेगा जहाँ स्टोर रहेगा, ठीक। चलिए तो इतना एक्स्ट्रा स्पेस अगर पूछा जाए कितना लेता है ऑर्डर ऑफ बी, क्योंकि ये भी जब विजिट करने वाला वो बनाएंगे एरे वो भी ऑर्डर ऑफ बी होगा, क्यू का साइज भी ऑर्डर ऑफ बी होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए VFS और DFS हो गया, आगे देखते हैं और टॉपिक्स, ठीक है। थैंक यू।